गौरक्षा और गौरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार गंभीर है, जिसके चलते जल्द ही सरकार एंटी गौ स्लॉटर बिल में बदलाव करने वाली है। इसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य सरकार को सदन में बिल में संशोधन पारित करने के लिए मंजूरी दे दी है। देखिए खास रिपोर्ट। एंटी गौ स्लॉटर बिल में होगा बदलाव, राजस्थान सरकार करेगी बदलाव, बिल में संशोधन लेकर आएगी सरकार। राष्ट्रपति ने बिल में संशोधन को दी मंजूरी। गौरक्षा के लिए राजस्थान में लागू एंटी काउ स्लॉटर बिल में जल्द बदलाव होने वाला है और राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस बिल में बदलाव कर सकती है। इसको लेकर राज्य सरकार को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार, जिसको लेकर अब हरी झंडी मिल गई है, जिसके चलते 1995 के एंटी काउ स्लॉटर बिल में अब संशोधन हो सकेगा। बिल में संशोधन को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। 1995 एक्ट पर आधारित बिल को वसुंधरा सरकार लेकर आई थी, लेकिन प्रदेश में गहलोत सरकार आने के बाद इस बिल में बदलाव के संकेत दे दिए गए थे। बिल में बदलाव होने के बाद भैंसों, सांडों और भैंसों के बच्चों को इससे बाहर रखा जाएगा, मतलब बिल के तहत केवल गायों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कानून तोड़ने पर होगी सीधी गिरफ्तारी। एंटी काउ स्लॉटर बिल में संशोधन के बाद राज्य सरकार को मामले में संलिप्त वाहन को सीज करने का अधिकार मिलेगा, तो साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी का हक भी मिलेगा, जिससे ये कानून और भी मजबूत हो जाएगा, जिसके चलते गायों के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार का ये कदम भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम साबित हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।